एक महिला अपने देवर से प्यार करती और ऐसो प्यार के पति से नहीं बल्कि देवर से उनकी तीन बेटियां हती। लेकिन जब देवर ने दे दो प्यार में धोखा और कर लो दूसरो ब्याह, सो वो महिला ने भी दूसरो ठिकानों ढूंढ लो एक और व्यक्ति से प्यार करने लगी। लेकिन देवर ने जो धोखा दो तो वो धोखा को बर्दाश्त कर वो संभव नहीं हो पा रहा हो, सो उन्हें अपने सगे देवर की हत्या कर दी। रिश्तों की यह सनसनीखेज कहानी है मध्य प्रदेश के सागर जिला की और ई को खुलासा हो गया है। दरअसल सागर जिला के सुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर में 7 अगस्त को कंछेदी लोधी नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू करी। शुरुआत में तो पुलिस को बड़ी मुश्किल भई काहे के हर को जग कह रहो तो के मरवे वाला व्यक्ति बहुत सीधो साधो हो तो कौन रंजिश नहीं हती और कौन ऐसी जायदाद भी नहीं हती जीखो लेके जा घटना भई हो। पुलिस ने मृतक के भाई से गहरी पूछताछ करी लेकिन सफलता नहीं मिली, सो पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली जो मृतक की भाभी पे आटकी। पुलिस ने भाभी राजकुमारी और सौम्या से पूछताछ करी, सो उन्हें बड़े नाटकीय तरीके से पुलिस को घुमाने का प्रयास करे। फिर पुलिस ने पूरी कुंडली खंगाली, सो होगा बड़ो खुलासा। दरअसल यह महिला जिसका नाम राजकुमारी है बस ससुराल हीरापुर में अपने पति के संग नहीं बल्कि सागर में अपने प्रेमी के संग रहती। पुलिस ने सागर में अपने मुखबिर लगाए, सो उनको प्रेमी रमेश अहरवार भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और जब पुलिस ने कड़ाई से दो लोगों से पूछताछ करी, सो होगा बड़ो खुलासा। रमेश अहरवार ने बताओ कि राजकुमारी और उनको प्रेम प्रसंग है और राजकुमारी के कैबे पे दो जनन ने सोते समय चाकू से हमला करके हत्या कर दी कंछेदी लोधी की। उतनी जब राजकुमारी से हत्या की वजह पूछी गई, सो उन्हें बताई कि उनके अपने देवर कंछेदी के संग कई सालों से संबंध थे और देवर कंछेदी ने उनको पत्नी बना के जिंदगी भर अपने संग रखने को वादा करी तो, और तो और उनकी जो तीन बेटियां हैं वे भी पति से नहीं बल्कि देवर से भई हैं। लेकिन इनके बाद भी देवर ने दूसरों ब्याह कर लो जी के कारण वह अपने देवर से गहरी रंजिश रखने लगी और दूसरों प्रेमी पाते साथ एक प्रेमी से मिलके प्रेम में धोखा देवे बारे अपने देवर की हत्या कर दी। पुलिस को दिनांक 8 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि हीरापुर ग्राम में एक कमरे में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जब पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जाकर देखा गया तो एक कमरे में कंछेदी पिता तखत सिंह लोधी का शव पड़ा हुआ था जिसके गले पर चोट थी और एवं पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। इसके बाद से मर कायम करके अपराध कायम किया गया था और उसको विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर टीम गठित करके सतत विवेचना की गई। स्टार्टिंग में तो सभी इसमें संदिग्ध लग रहे थे, बाद में भाभी की तलाश की गई। भाभी की तलाश के बाद भाभी से पूछताछ जब की गई तो उनकी पूछताछ के दौरान संदिग्धता जाहिर हुई। बराबर अपने कथनों को अपने स्टेटमेंट को बराबर चेंज कर रहे थे, जिसके बाद से इनके जब सागर में रहे किस किस से इनके संबंध रहे, कहाँ कहाँ इनका उठने बैठने रहा, वहाँ पर पतारसी की गई तो एक व्यक्ति के घर पर आने जाने एवं उनके साथ दोस्ती का पता चला। जब सागर में पहुंचकर वहाँ तलाश किया गया, मुखबिर मामूर करके उस व्यक्ति को पकड़वाया गया जिससे आकर यहाँ पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रमेश अहिरवार के नाम पर बताया और थोड़ी पूछताछ के दौरान उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया कि हाँ हम राजकुमारी के साथ इनके जब ये मजदूरी करती थी ईंट भट्टों पर तब इनकी दोस्ती हो गई थी। तो राजकुमारी द्वारा तब बताया गया था कि ये इनका पहले पति था जहाँ कंछेदी इनका देवर था, कंछेदी से इनका अवैध संबंध थे तो कंछेदी द्वारा इनको ये बोलकर लाया गया, मृतक कंछेदी द्वारा बोलकर लाया गया था कि ये जिंदगी भर इनको साथ में रखेंगे और इनको अपनी पत्नी बनाकर रखेंगे, परंतु मृतक द्वारा दूसरी शादी कर ली गई थी। जब से शादी हुई थी तब से ये उस चीज़ से बहुत नाराज थी और घर छोड़कर चली गई थी और विगत जो रमेश अहिरवार से दोस्ती होने के बाद विगत एक माह से इनके द्वारा प्लानिंग की गई कि कैसे करके कंछेदी को मारना है और ये जब यहाँ पर दोनों साथ मिलकर आए और हीरापुर में दिनांक 7 और 8 की दरमियानी रात को इन्होंने धारदार हथियार से घर में घुसकर कंछेदी की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने ये पूरे मामले को खुलासा कर दो है और ये महिला और उनके प्रेमी को कर लो है गिरफ्तार। सुर्खी से ब्रिजेश गौतम बुंदेली पहुंचा रही।